तो हेलो गाइस, आप सभी को राधे राधे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल फ्राइड राइस। तो सबसे पहले मैंने ये सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से चॉप कर लिया। आप चाहे इसमें पोटैटोज भी डाल सकते हो, बट मैंने टमाटो इसमें बिल्कुल नहीं डाले क्योंकि 100 रुपये किलो थे गाइस, करके मैंने इसको स्किप किया। बाकी आप डाल सकते हो अगर आप अमीर हो तो। उसके बाद मैंने ये चावल को मैंने इसको उबालने के लिए रख दिए थे, बॉयल करने के लिए। इसमें मैंने तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च, इलायची वगैरह जो सारे मसाले डाल दिए। उसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आ रही थी गाइस। और मेरे पास पहले से ही आलू चावल बचे थे, तो मैंने इन दोनों को मिक्स करके फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ। तो मैंने लोहे की कढ़ाई ली, इसमें मैंने सरसों का तेल, राई, अजवाइन, जीरा और सब वेजिटेबल्स को सोटे करने के लिए डाल दिया था। और फिर इसको मैंने अच्छे से इसको हिलाया ताकि, और मैंने फ्लेम तेज रखा ताकि वेजिटेबल्स कच्ची कच्ची रहें और क्रंची बने। उसके बाद मैं सारे ये जो नवरत्न मसाले हैं ये मैंने इसके अंदर डाले, नमक, मिर्च, जो भी आपकी मर्जी है आप कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद मैंने मम्मी का मसाला और ढूंढने की कोशिश करी, तो मुझे इसमें सोया सॉस मिला। एक पता नहीं कितना साल पुराना था, पर मैंने सोचा थोड़ा सा डालना था मैंने। आप इसमें डाल सकते हो, देखो मैंने कितना थोड़ा डाला। उसके बाद मुझे विनेगर मिला, मैंने थोड़ा विनेगर भी डाल दिया था, थोड़ा इसका जैसे नूडल जैसा टेस्ट आने के लिए। उसके बाद हल्का सा, देखो मुश्किल से एक दो ड्रॉप, दो तीन ड्रॉप्स होंगे। उसके बाद मैंने फिर इसमें MDH का किचन किंग मसाला डाला, जो जब भी डालते हो हर सब्ज़ी टेस्टी बनती है डालने के बाद। इस करके तो पक्का रखना मैंने ये मसाला, इस करके ऑलवेज़ मैं ये मसाला प्रेफर करती हूँ। हल्का सा डाला, आप जितना मर्जी भर के डाल सकते हो। उसके बाद मैंने जो मेरे पुराने चावल बचे हुए थे वो डाल दिए। और उसके बाद जो मेरे ये चावल उबल रहे थे, मैंने इसमें से पहले तेज़पत्ता निकाला सारा। तेज़पत्ता निकालने के बाद लौंग निकाल दी, पर ये निकलती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से निकाली यहाँ से लौंग छान छून के जो भी देख के। उसके बाद फिर सब निकालने के बाद ये सब मैंने मिक्स कर दिया था इस कंटेनर में, कढ़ाई वाले कंटेनर में। देखो कितना सतरंगी सा वेजिटेबल राइस मिल रही है आपको। इसमें सारी वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से डाल रखी है, जो आपको अलग अलग टेस्ट प्रोवाइड करेगी। इसमें आप कैबेज भी डाल सकते हो, बट मेरे पास नहीं थे तो मैंने डाला। तेज़ फ्लेम में इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, जब तक ये बिल्कुल, अभी थोड़ा गीला गीला लग रहा है ना, पर थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैंने प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी चाहिए थी, इस करके मैंने इसको कटोरी में पहले अच्छी तरह सजाया, फिर इसको मैंने ठक ठक करके अच्छे से, ताकि इसकी शेप उस शेप में बन जाए। और थोड़ी देर में देखा एग्जैक्टली वैसी बन गई थी, बहुत अच्छी शेप बन गई थी इसकी। और उसके बाद मैंने इसको अरबी की सब्ज़ी के साथ और कर्ड के साथ सर्व किया, बहुत टेस्टी था। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करना ये।